हेलो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड कम टू द वर्ड्स वर्ड प्रॉब्लम ऑन पेज नंबर 13। हम लोगों ने चार वर्ड प्रॉब्लम देख ली है। नाउ वी विल सी द फिफ्थ वन। रीड, द रेडियस ऑफ द सन इज अप्रोक्सीमेटली 6,95,000 किलोमीटर। राइट द नंबर नेम इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दिस इज द फिफ्थ वन। द सोल्यूशन वी विल राइट लाइक दिस। द रेडियस ऑफ द सन इक्वल्स टू 6,95,000. Now we have to, what is asked here? We have to write the number name of this number in international number system. So first of all, we will write here the number like this, and then we will put commas according to international number system. Now read, 1, 10, 100, 10,000, 100,000. How will we write? The number name, we will write the number name in international number system like 6,95,000. Okay, this will be the number name in international number system. Now read the next one. The distance of the moon from the earth is approximately 38,44,67,000 meters. Write the number name in the Indian number system. In solution we have to write like the distance of the moon from the earth is given 38,44,67,000 meters, and we have to write its number name in Indian number system. Now these commas are already put according to the इंडियन नंबर सिस्टम। ये जो कॉमर्स है अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम ही दिए गए हैं और डायरेक्टली हमें लिखना है 1, 10, 100, 1,000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore, 10 crore मीन्स 38,44,67,000. In this way, I have written the number name in Indian number system. Likewise, you have to write in your copy. Take its screenshot. इसका screenshot ले लो आप और इसको आप complete कर सकते हो. Okay. See the seventh. The height of Mount Everest is 8,848 meter. Round it off to the nearest thousand. हमें height दी है Mount Everest की 8,848 meter से, इसे हमें round off to the nearest thousand करना है. जब हम round off nearest thousand करते हैं तब हमें क्या करना होता है, ये जो number दिया हुआ है इसकी 100 place की digit देखनी है. इसकी 100 place की digit greater than 5 है या less than 5 है? ग्रेटर देन 5 है. तो हम क्या करेंगे, जो 1,000 place की डिजिट है इसमें 1 ऐड करेंगे, तो राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ 9 कर लेंगे हम और ये हमने यहाँ जीरोस लगा दिए. ये हो गया राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 1,000. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, 8th. व्हाट इज द नंबर 2 मोर देन द स्मॉलेस्ट 9-digit नंबर. हमें पूछा है कि स्मॉलेस्ट 9-digit नंबर से 2 मोर नंबर हमें फाइंड आउट करना है, और उसके लिए सबसे पहले हमें तो क्या पता होना जरूरी है, 9-digit स्मॉलेस्ट नंबर. जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछते हैं, आपको बता दिया है, आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है. 1 मतलब आएगा 10 करोड़, ये आ जाएगा 9-digit का स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, 1 पे हमें 8 zeros लगाना है, तो 9-digit का स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल गया है. ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, अ नंबर 2 मोर देन 9-digit स्मॉलेस्ट नंबर. ऐसा नंबर ढूंढना है जो 9-digit स्मॉलेस्ट नंबर के से 2 से ज्यादा हो. तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 को हम इसमें ऐड करेंगे, 10 crore + 2. तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें, ये 2 वंस प्लेस में है तो यहाँ वंस प्लेस में 2 को ऐड कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा 10 crore 2. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, 9th. टोटल कैश अवेलेबल इन अ बैंक इज 2,48,720. राइट द अमाउंट इन न्यूमरल्स यूजिंग द इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. हमें दिया है कि बैंक में कैश कितनी अवेलेबल है,
और वो दिए है हमें नंबर नेम में, उसे हमें न्यूमरल्स में लिखना है, इंडियन नंबर सिस्टम में भी और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। ठीक, तो पहले हम इसे डिकोड कर लेते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, क्योंकि जो नंबर नेम दिया है वो इंडियन नंबर सिस्टम का है, करोड़ यूज हुआ है, थाउजेंड यूज हुआ है, मतलब ये हमारा कौन से नंबर सिस्टम से यूज हुआ है, इंडियन नंबर सिस्टम। तो इसमें इजी है, टू करोड़, ये हमने लिखा टू करोड़, फिर 48,000 है, मतलब लैक की प्लेस पे कुछ नहीं है, मतलब जीरो लगाएंगे हम, फिर 48,000 एंड देन 720, ये हमने इसको इंडियन नंबर सिस्टम में न्यूमरल में चेंज कर लिया। अब हमें इसमें करना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो ये यहाँ राइट कर लीजिए पहले नंबर, ये हमने राइट कर लिया, फिर कॉमास हम आफ्टर एवरी थ्री डिजिट्स वी विल पुट कॉमास। नाउ रीड, वंस टेन्स, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, इसे रीड कैसे करेंगे, ट्वेंटी मिलियन, फोर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड और ट्वेंटी। ओके, दिस इज ऑल द नाइन्थ वन।